जब टीवी अक्षय प्रोजेक्ट में दिल्ली में जब काम कर रहा था, और वहां पे जब पीएससी सेंटर पहुंचते हैं तो वहां पेशेंट का आना जाना रहता है, बैक्टीरिया हवा में रहता है, तो कहीं इसी तरह से मुझको मेरा जब इम्यूनिटी लो था तो उस दौरान मुझको बैक्टीरिया मिला है, जिसकी वजह से मुझको फिर कुछ समय बाद सिम्टम्स देखने को मिल चुके थे, मिलने लगे थे 2016 में। उसमें सिम्टम्स में था कि मुझको शाम को बुखार आने लगता था और पसीना आता था, थोड़ी बहुत भूख कम हुई थी, इतने सारे सिम्टम्स थे, और थोड़ी थोड़ी खांसी भी होने लगी थी। और मेरा अचानक एक बार नहाते हुए गर्दन पर एक बार हाथ गया तो मुझको पता चला कि कुछ मेरे यहाँ पर कुछ मोटा मोटा सा एक गांठ टाइप का है। टीवी के लिए इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो मैंने हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने फिर कुछ टेस्ट प्रेस्क्राइब किए, फिर उस सभी टेस्ट के साथ में डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने फिर डिसाइड किया कि हाँ, ये आपको टीबी के लक्षण हैं और आपको टीबी है, और ये जो मेरी टीबी थी इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, जो कि दूसरों को नहीं फैलती है। फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उन्होंने बताया कि आपको 6 महीने दवाई खानी लेनी पड़ेगी और अच्छा खाना खाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई, और अगर साइड इफ़ेक्ट आता है तो उससे घबराना नहीं है, वो इनिशियल फेज में आता है। दवाई लेते समय शुरू में एक हफ्ते तक मुझको कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए, जैसे कि जी मचलाना, दवाई खाने का मन ना करना, उल्टी आना, इस तरह के लक्षण मुझको दिखाई दिए। मैंने उनको सहन किया और अपना दवाई कंटिन्यू लेता रहा, दवाई अपना मैंने जारी रखा, प्लस में मेरा जो मॉनिटरिंग का काम था, फील्ड से स्टाफ से मीटिंग करना, स्टाफ को सपोर्ट करना, ये पेशेंट के साथ उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, ये सब कुछ मैंने अपना कंटिन्यू रखा। तो कुल मिला के मैंने 1 साल तक दवाई ली। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, अब इसके बाद एक टेस्ट कराते हैं, क्योंकि ये तो दवाई से नहीं जा रही है, तो हो सकता है इसका हमें ऑपरेशन कराना पड़े। हमारा की तरफ से इंश्योरेंस कार्ड मिलता है, उसकी मदद से फिर मैं एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उन्होंने इसको ऑपरेट किया, उसकी जो गांठ थी वो पूरा निकाला, उसको अच्छे से ऑपरेशन किया, इस तरह से मैं टीबी से क्योर हुआ। और इसके दौरान बहुत सारे चैलेंजेस मतलब फेस किए, कभी कभी होता था कि थकावट भी फील होती थी, जैसे कभी ज़्यादा काम कर फील्ड में काम हो जाता था तो थकावट फील होने लगती थी। न्यूट्रिशन था उसको ठीक रखा, प्लस में जो मेरे साथी थे, काम करने वाले जो लोग थे, उनकी तरफ से फुल सपोर्ट मिला, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फुल सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ मैं हो सकता है कि मैं स्टिग्मा का शिकार हो रहा हूँ या डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहा हूँ। अभी जैसा कि मैं अभी भी टीवी फील्ड में ही हूँ और अभी मैं एज ए टीवी चैम्पियन काम कर रहा हूँ, दूसरे लोगों की मदद कर रहा हूँ, एज ए टीवी चैम्पियन मुझे गर्व है कि मैं अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है दूसरों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ कि अगर मैं ठीक हो सकता हूँ और बहुत सारे लोग जो ठीक हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं।